Good morning everyone. I am Arvind Soni, your English teacher from AVPS, Rehla. Today I am going to start third chapter from literature reader, Prath in the House, written by Ruskin Bond. Okay, now move to the main content of this chapter. Chapter 3, Preyth in the House. It was grandmother who decided that We must move to another house. It was all because of a preth, a mischievous ghost, who had been making life intolerable for everyone. First paragraph kya kehta hai कि grandmother है, वो decide करती हैं कि हमें अब दूसरे घर में चले जाना चाहिए। क्यों? Because it was all because of a preth. Preth it's a Hindi word जिसको हम भूत भी कहते हैं। A mischievous ghost. स्ट मीन्स भूत मिस्टिवियस means होता है नॉटी शरारती शरारती भूत की वजह से हमें अपना घर बदल देना चाहिए हु मेकिंग लाइफ इन इन टोलरेबल फॉर एवरी वन यानी सभी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था इन इंडिया प्रेस यूजली लिव इन पीपल ट्रीज एंड दैट्स वर दैट्स वेयर आवर प्रेथ फर्स्ट लिव्ड कहा जाता है कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भूत जो होते हैं वो भारत में जनरली मीन्स जनरली पीपल के पेड़ पर रहते हैं एंड दैट्स वेयर आवर पीप प्रेत फर्स्ट लिव्ड और हम लोग का भी जो पहला भूत था वो पीपल के पेड़ पर पे ही रहता था ये लिव्ड इन द ब्रांचेज ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री विच हैड ग्रोन थ्रू द कंपाउंड वॉल कंपाउंड वॉल मीन होता है घर के सामने जो कंपाउंड छोटा सा एक होता है जिसको दीवार से हम बैरिकेटिंग करके रखते हैं वहां पर एक पीपल का पेड़ था और वो पेड़ कंपाउंड वॉल के ऊपर मतलब उसकी जो शाखाएं थी वो वॉल इट हैड स्प्रेड इन टू द गार्डन ऑन ऑन आवर साइड मतलब हमारे साइड जो घर के आगे छोटा सा गार्डन था आधा उस तरफ तो उसकी शाखाएं थी एंड ओवर द रोड ऑन द अदर साइड और दूसरी तरफ सड़क के ऊपर मतलब ऐसे जगह वो पेड़ था जिसका आधा पार्ट कह लीजिए आधा एरिया हमारे घर की ओर लॉन में था गार्डन में और आधा एरिया जो सड़क पर था फॉर मेनी ईयर्स द प्रेत हैप्पीली कई सालों से वो चुपचाप खुशी खुशी उस पेड़ पर रहता था विदाउट बॉदरिंग एनी वन बॉदरिंग मींस होता है ट्रबल किसी को परेशान किए बिना बड़े आराम से रहता था वो इन द हाउस मतलब जैसे भूत कहते हैं ना एक फिल्म आई थी भूतनाथ आपने देखा होगा सेम कुछ उसी तरह से यह स्टोरी है पहले वो रहता था चुपचाप हैपीली कोई प्रॉब्लम नहीं होता था लेकिन अब अब क्या हो गया आई आई सपोज द ट्रैफिक ऑन द रोड हेट केप्टिम फुल्ली ऑक्यूपाइड आई सपोज मेरा मानना है द ट्रैफिक ऑन द रोड केप्ड हिम फुल्ली ऑक्युपाइड फुल्ली ऑकुपाइड मीन होता है पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना समटाइम्स वेन अ टांगा वॉज पासिंग टांगा ये हिंदी वर्ड है काइंड ऑफ व्हीकल विच इज ड्राइवन बाई अ एनिमल हॉर्स जो घोड़ा इसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं ही वुड फ्राइटेन द पोनी पॉनी मीन्स जो उस कार्ड को चलाता है एनिमल इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल पॉनी एंड एज रिजल्ट द लिटिल पॉनी कार्ट वुड गो स्पीडिंग ऑफ इन द रोंग डायरेक्शन और कभी कभी मतलब कहता है कि वहां का जो ट्रैफिक था यह पूरी तरह से अपने अधिकार में लिया हुआ था और थोड़ा बहुत मिशीवियस ही करता रहता था जैसे कि इस तांगा के साथ उसने किया अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाती है in the wrong direction occasionally he would get into the engine of a car or bus occasionally kabhi kabhi wo kisi motor gaadi ya bus ke engine mein ghus jata which would have a breakdown soon afterwards breakdown matlab hota hai jaise chhatigrast ho jana jaldi hi इंजन में घुस करके वो कुछ ऐसा करता था जैसे गाड़ी खराब हो जाती थी He liked to knock the heads ऑफ the heads. ऑफ साहिब्स साइब्स मीन जेंटलमैन ऐसा व्यक्ति जो जेंटलमैन जो हैट वोट लगा के चलता है कोट पहन के उसके हैट को हिट करके गिरा देता दे वुड देन कर्स 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 एंड एंड वंडर वंडर होता है यहाँ पर जैसे किसी के लिए आप बुरा करें तो वो अगला व्यक्ति आपको कर्ज करता है श्राप देता है एंड वंडर आश्चर्य करना एट द ब्रीज दैट हैड स्प्रंग स्प्रंग अप अप होता है जैसे मान लीजिए अगर आप अचानक चल रहे हो हेड पहने और हेड गिर जाता है तो आप सडनली शक नहीं करोगे कोई ऐसा कर रहा है आपको लगेगा कि हो सकता है हवा बह रहा हो अचानक तेजी से हवा का झोंका आया हो हो और मेरा हेड गिर, गिर गया हूँ उछल जाना अप सो सडनली एंड अगेन जस्ट एज क्विकली ये संदेह करना कि हाँ कोई भूत या प्रेत आपके टोपी को गिरा दिया हो ऐसा नहीं है हो सकता है कि हवा का तेज झोंका हो जो जिसकी वजह से ऐसा हो गया हो ऑल कुड मेक हिमसेल्फ फेल्ट एंड समटाइम्स हार्ट ही वॉज इनविजिबल टू द ह्यूमन आईज प्रेत होता है इनविजिबल होता है जैसा हमने सुना है वो नॉर्मल हम उसको देख नहीं सकते हैं कभी कभी देख भी सकते हैं बट वो चाहे तो इनविजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है एट नाइट पीपल एवॉड एवॉडेड वॉकिंग बीनीथ द पीपल ट्री एवॉड मीन्स होता है इग्नोर करते थे उस पीपल ट्री के नीचे से रात में क्योंकि हमारा मानना है कि रात में जो भूत होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं दिन में तो वो शांति से बैठे रहते हैं देखते रहते हैं सब कुछ क्योंकि भीड़ होती है और रात में जब सन्नाटा होता है तब उनको मौका मिलता है और वो अपना जो भी मिस्चिवियस होता है वो शो करते हैं तो यहाँ पर लोग जो है वो एट नाइट पीपल अवॉइडेड वॉकिंग बिनिथ दीपल ट्री उस पीपल पेड़ के नीचे जाने से अवॉइड करते थे इट वॉज सेन द ट्री यान मीन्स होता है जम्वाई लेना ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उस पीपल पेड़ के नीचे जाते हो और आपको जम्हाई अगर आ जाती है तो प्रेत तो जम्प डाउन योर योर डाइजेशन अगर आपने मुंह खोला जम्हाई लेने के लिए तो जस्ट जो गोस्ट है वो आपके मुंह में घुस जाएगा और आपके डाइजेशन को बर्बाद रो बर्बाद कर देना कंटिन्यू नेक्स्ट पेज ग्रैंड मदर्स टेलर जसपाल हु नेवर हैड एनीथिंग रेडी ऑन टाइम ग्रैंड मदर का एक कोई फेवरेट टेलर आगे जसपाल नाम का जो कभी भी कपड़े टाइम पर नहीं देता था ब्लेम द्लेम द प्रेत फॉर ऑल दिस ट्रबल्स और सारा कुछ जो गड़बड़ी होती है उसका सारा सारा ब्लेम वो प्रेत पे लगा देता है वंस वाइल्ड योनिंग जसपाल हेट फॉर गेटेन दू स्नैप हिस्सिंगर्स स्नैप हिज फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ एक बार एक समय की बात है जब जसपाल जमाई लेने लगा और वो भूल गया अपने उंगलियों को मुंह पे रखना Always when yowing, yowing beneath people trees. हमेशा mandatory means होता है जरूरी इंपॉर्टेंट कि एक जब भी आप अगर उस पीपल पेड़ के नीचे हैं और जम्हाई ले रहे हैं तो अपने हाथ, हाथ से मुंह को ढक लीजिए एंड द प्रेत हैड गॉट इन विदाउट एनी डिफिकल्टी और वो भूल गया और उसके मुंह से होते हुए प्रेत उसके शरीर में चला गया सिंस देन जसपाल हैड ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम टमीज अपसेट्स उस दिन से जसपाल को हमेशा प्रॉब्लम होती थी टमी मींस होता है पेट की जैसा उसने कहा कि डाइजेशन गड़बड़ कर देता है मुंह में घुस करके तो उसकी भी यही सेम शिकायत थी कि वो उसको प्रॉब्लम होने लगी बट इट हैड लेफ्ट आवर फैमिली अलोन लेकिन ये हमारी फैमिली को छोड़ मतलब छोड़ दिया था वन डे दीपल ट्री हैड बिन कट डाउन तब तक जब तक की पीपल ट्री को काट नहीं दिया गया इट वॉज नो बॉल्ट एक्से ग्रैंड फादर हैिवेन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट परमिशन टू कट द पीपल ट्री कट द ट्री यानी जब तक पेड़ था तब तक वो हमारे घर में रहने वालों को ट्रेवल नहीं करता परेशान नहीं करता था केवल बाहरों करता था लेकिन एक दिन दादाजी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को परमिशन दिया उस पेड़ को काटने की इट हैड बीन ऑन आवर लैंड एंड दे टू वाइडन द रोड वो इसलिए था वाइडन मीन्स होता है थोड़ा सा सड़क को वाइड करना था चौड़ा करना था इसलिए उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है आप काट सकते हैं द ट्री एंड अ बिट ऑफ वॉल वर इन द वे पेड़ और थोड़ा दीवार का भी हिस्सा उस रास्ते में आ रहा था सो बोथ हैड सो बोथ हैड टू गो मतलब दोनों को तोड़ना होगा इन एनी केस नॉट इवेन अ गोस्ट कैन प्रिवेल अगेंस्ट दीडब्ल्यू प्रिवेल मिन्स होता है यहां पर अगर मान लीजिए कोई चीज है जो आपका है आपका उस पर अधिकार है और कोई उसे तोड़ता है तो आप उससे लड़के जीत सकते हो प्रिवेल मिन्स होता है विन एक तरह से जीतना हार्डली हैड डे पास्ट बिफोर वी डिस्कवर डेट द प्रेथ डिप्राइड डिप्राइड मिन्स होता है वंचित हो जाना मतलब पेड़ कट गया तो अब उसका घर हट गया वहां से डिप्राइव ऑफिस फ्री पेड़ से वो हट गया वंचित हो गया decided to take up residence in our बंगलो अब उसने डिसाइड किया रेजिडेंस मींस घर कि अपना घर में इस बंगले के अंदर बनाऊंगा सिंस अ गुड प्रेत मस्ट बी बेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टेंस अब वो जो भूत अभी तक गुड मतलब कहते हैं गुड प्रेत था अब वो बैड हो गया बुरा बन गया क्यों क्योंकि उसका घर हम लोगों ने तोड़ दिया एग्जिस्टेंस मिस होता है प्रेजेंस ही वॉज सोन अपल सॉर्ट्स ऑफ मिसीबियस इन द हाउस अब वो धीरे धीरे हर तरह के मिसीवियस मतलब शरारती के लिए नोटी नोटिंग करने लगा ही बिगन बाई हाइडिंग ग्रैंड मदर स्पेकल्स वेन एवर सी टूक देम ऑफ जब भी दादी माँ अपने चश्मे को निकाल करके रखती थी वो उसे छिपा देता था आई एम श्योर आई पुट देम डाउन ऑन द ड्रेसिंग टेबल सी ग्रम्बल ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना खुद से ही बात करना कि शायद मैंने चश्मे को ड्रेसिंग टेबल में रख दिया हो a little later लेटर were फाउंड और कुछ समय बाद वो पाती हैं अपने चश्मे को कहा? Balanced बैलेंस्ड Precariously मीन्स होता है डाउट ऑन द snout ऑफ अ वाइल्ड बोर Snout मीन्स होता है फ्रंट पोर्सन ऑफ माउथ एनिमल का जो आगे का मुंह होता है उसको बोलते हैं लुक ही इन दिस पिक्चर यहाँ देखिए एक वाइल्ड बोर है बोर में होता है पिक सुअर उसके चेहरे को स्टफ करके घर के में लगाया गया है ये डेकोरेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है स्टफ में है भरा हुआ क्योंकि जब एनिमल्स को मार दिया जाता है उसके जो भी अंदर का मटेरियल निकाल कर उसके अंदर कुछ को, कोई चीज स्टफ करके भर दी जाती है ताकि उसका जो प्रेजेंस हो वो बिल्कुल लगे कि वाकई में जिंदा सुअर है हुज स्टफ एंड माउंटेड माउंटेड मीन्स होता है दीवार पे लगा देना हेड डेकोरेटेड द वरेंडा सजा करके उसको बरामदे में रखा जाता है वहां पर उसका चश्मा हो वो अपना पाती है नेक्स्ट पेज कंटिन्यू वरेंडा वॉल वॉल मीन्स वरेंडा के दीवार पे बीइंग द ओनली बॉय इन द हाउस आई वाज एट फर्स्ट ब्लेम्ड फॉर दिस प्रैंक बट केवल मैं ही एक लड़का घर में था तो पहले तो ब्लेम मेरे ऊपर आता था कि ये उसी का प्रैंक प्रैंक मिस होता है शरारत ये उसी की शरारत होगी बट अ डे टू लेटर एक और दो दिन के बाद वेन द स्पेकल्स डिस अगेन फिर से वो चश्मा गायब हो जाता है ओनली टू बी डिस्कवर्ड हैंगिंग फ्रॉम द ऑफ द पैरट्स केज इट वॉज एग्रीडेट सम अदर एंसी वॉज वर्क जब फिर से चश्मा गायब हुआ तो उन्हें एहसास हो गया फिर से कि ये जरूर कोई दूसरा है जो ये काम कर रहा है अदर एजेंसी एजेंसी मीन्स दूसरा ग्रुप कोई भी एक जो इस काम को अंजाम जा रहा है यानी वो बच्चा नहीं है कोई और है ओके चिल्ड्रेन नाउ स्टॉप हियर फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पेजेस ऑफ दिस चैप्टर